नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 17 भारत। मैं हूं आपके साथ देवेश कुमार गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की दिन भर की खास खबरों की ओर। ईएसपी ने राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीधी जिले के मामले को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में सीधी जिले में आदिवासी के ऊपर भाजपा नेता द्वारा पेशाब करने का मामला फूल पकड़ता जा रहा है। उसी मामले में निवाड़ी जिले में जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल गुरुवार को अम्बेडकर चौराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने एक प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल सीधी में प्रवेश शुक्ला विधायक प्रतिनिधि द्वारा एक आदिवासी पर पेशाब करने का मामला फूल पकड़ता जा रहा है। उसी मामले में महामहिम राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि तथा रहने के लिए आवास और एक शासकीय नौकरी देने की मांग की है। आज जो बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई निवाड़ी के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो मध्य प्रदेश में सीधी जिले में जो अभी विगत दिन जो घटना हुई है, प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति जो कि वहीं के स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ला के विधायक प्रतिनिधि और भाजपा नेता हैं, उनने एक दलित आदिवासी समाज के व्यक्ति जो रावत कुल जनजाति से आते हैं उनके ऊपर सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने का मामला आया था। उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। क्योंकि इसमें इस संबंध में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्वीट करके अवगत कराया था मध्य प्रदेश शासन को। क्योंकि उनका जो राजसात के लिए उनने मांग की थी वो हुई है और बहुजन समाज पार्टी आज बड़े स्तर पर मांग करती है कि जो व्यक्ति पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, रहने के लिए आवास और उनके परिवार को किसी एक व्यक्ति को शासकीय सरकारी नौकरी दिलाने की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज मानवता की जो हत्या हो रही है उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। एक आदिवासी भाई के ऊपर सार्वजनिक तौर पे जो मूत्र विसर्जन की जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को संसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाएं निरंतर जो बढ़ रही हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है और यहाँ सिर्फ अंधेरगर्दी का राज है और हम लोग उसके विरोध में इस ज्ञापन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपने आए थे। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की अगर पुनरावृत्ति होगी तो बड़ा उग्र आंदोलन होगा कि ईंट से ईंट बजाने की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में हम लोग करने वाले हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग।